हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार हमेशा से एक्टिव रहे हैं कई सारे वर्क्स के अंदर। इससे पहले हमने बताया कि किस तरह से वार्ड नंबर 20 के अंदर नया मोहल्ला रास्ती गली और सिद्धि अंबरकट्टा के अंदर बोरवेल को ड्रिल किया गया था। उसके बाद जो फॉलोअप प्रोसेस होता है उसके बाद अब यहाँ पर बोरवेल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। 5 HP और 3 HP की बोरवेल स्टार्ट भी हो चुकी है और अब ये पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। इसको इनॉग्रेट करने के लिए MLA मैडम करीस फातिमा साहिबा यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने इस बोरवेल को इनॉग्रेट किया। साथ साथ आदिल सुलेमान सेठ, फराजुल सलाम, शफी हुंडेकर और खुसरो जागीरदार, मजरा आलम खान और कई सारे सीनियर कांग्रेस लीडर यहां पर मौजूद रहे। लोकल रेसिडेंट्स ने खुसरो जागीरदार के इस एफर्ट्स को काफी अप्रिशिएट किया और उन्हें फेलिसिटेट भी आई दिखती। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. 20 में दो बोरवेल का इफ्तिताह हो रहा है। आप लोगों ने काफ़ी तकलीफ उठाई है पानी के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आइंदा पानी की बहुत सहूलत हो जाएगी। एक तो टैंक, वो वाटर टैंक जो बना है उससे और ये बोरवेल से आप लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। और जो भी आप लोगों के काम है आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कॉर्पोरेटर्स जीते हैं इस बार काफ़ी अच्छा काम शुरू कर दिए हैं लोगों ने। अभी क्योंकि अभी जाके अभी ओथ भी नहीं लिए लोगों ने, उसके बावजूद भी अपने अपने एरिया में सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह ताला चार्ज लेने के बाद तो और भी तेज़ काम होगा अपने अपने एरिया में लोगों का। और आप खुसरो जागीरदार साहब को तो आप लोग जानते हैं, देखते हैं कि कैसा उन्होंने काम करते हैं। अब तो कॉर्पोरेटर बने हैं उन्होंने, उससे पहले भी उनका जो एरिया में काम कर रहे थे उन्होंने, वो आप लोग सब देखते हैं उनका कैसा काम रहता है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, आइंदा भी हम सब मुत्तहिद रहेंगे, एक साथ जुड़कर रहेंगे तो हम BJP का मुकाबला कर सकेंगे और BJP को इंशाल्लाह ताला BJP को उखाड़ के फेंकेंगे कर्नाटक से ही इंशाल्लाह ताला। आज के इस वार्ड नंबर 20 में बोरवेल इनॉग्रेशन में आए हुए हमारी और आपके गुलबर्गा नॉर्थ के रुकन कनीस फातिमा साहिबा मैडम, फराजुल इस्लाम साहब और आपके हरदिल अजीज कॉर्पोरेटर मेरे भाई खुसरो जागीरदार साहब, आदिल सुलेमान सेठ साहब, शफी उंडेकर साहब, वहाब खान साहब, करीम साहब, जलील साहब, हमारे तैयब साहब, भाइयों बुज़ुर्गों और मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम जैसा कि खुसरो जागीरदार साहब ने उससे खबर आपके सामने बताया है कि दो बोरवेल का इनॉग्रेशन के लिए मैडम आई हैं। ये इस एरिया में ख़ास तौर से यहाँ पर पानी की किल्लत बहुत ज़माने से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पानी के ताल्लुक से। जब खुसरो जागीरदार साहब को टिकट मिली थी वार्ड नंबर 20 से, सबसे पहला मुतालबा यहाँ के लोगों का पानी के लिए था और ख़ास तौर से इस गली में बोरवेल होना बोलकर इनका मुतालबा था। जब मैडम और यूटी खादर साहब वो सामने घर पे आए थे तो वहाँ पर जब लोग बोले थे तो मैडम वादा किए थे सबसे पहले इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर हम बोरवेल आपके लिए करवा देंगे, जैसा कि मैडम ने वादा किया था। यहाँ पर और रस्सी गली में दो बोरवेलों का काम सबसे पहले मैडम जीत कर आने के बाद, जबकि अभी कॉर्पोरेशन गठन नहीं हुआ है, कॉर्पोरेशन की बॉडी अभी बनी नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर अंदर जाकर शपथ नहीं लिया, नहीं लेने के बावजूद भी मैडम ने ऑफिसर्स को डायरेक्शन देकर सबसे पहला काम इस एरिया के पानी का काम किया है। यहाँ पानी की टाँकी रहने के बाद
पानी क्यों नहीं आ रहा, मुसलसल उनके दिमाग में यही था। मैडम के पास लेकर गए मुतालबा, 35 एचपी की मोटर, मोटर होना, अगर 35 एचपी की मोटर अगर वहाँ बिठाया जाएगा तो पानी हर घर में मिल जाएगा। जैसा ही मैडम को ये पता चला, मैडम ने वहाँ पर जब का जब ऑफिसर्स को बोलकर, कॉर्पोरेशन कमिश्नर को बोलकर उसको सेंक्शन कराया, इंशाल्लाह थोड़े दिन में वहाँ पर मोटर बैठेगी और आपके घर तक पीने का पानी आपके घर तक पहुँचेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर दो बोरल की इफ्तिदा अमल में आ रही है। मैं नॉर्थ एमएलए में मोहतरमा कनिष फातिमा साहिबा का, यहाँ की आवाम का और यहाँ की आवाम की तरफ से और मेरे वार्ड की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, क्योंकि मैडम ने इलेक्शन से पहले यहाँ पर एक प्रोग्राम रखे थे हम यूटी खादर साहब भाई, जब मैडम ने वादा किया था यहाँ पर बोरवेल की काफ़ी सालों से परेशानी थी, ये बोरवेल और उधर वहाँ रस्सी गली में तकरीबन 10-15 साल से तकलीफ यहाँ के लोग आवाम उठाए पानी की तरफ से। तो मैडम को हम जब भी बताए थे तो मैडम वादा किए थे कि दो बोरवेल में जैसा होता तो इंशाल्लाह वो सबसे पहले वो काम करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने वो दो मेरे को बोरवेल डील करने के लिए दिए थे। अल्लाह के फजल और करम से दोनों जगह इतना पानी लगा है, इधर 4 इंच लगा है, उधर 5 इंच पानी लगा है। तो मैडम ने जाके मुलाकात किया तो ये टाकी के ऊपर मोटर बिठाने के लिए मैडम ने इमीडिएटली ऑफिसर को भेजे मेरे साथ और विजिट किए करके इंशाल्लाह एक जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सकते वहाँ पर मोटर बिठाने की इंशाल्लाह अमल में आएंगे। वो अगर मोटर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आज नॉर्थ एमएलए मैडम कनिष फातिमा साहिबा ने आज दो बोरवेल का आज उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। ये सीधी अंबर कट्टा गरीब टेलर के घर के पास और बाजू हमारे रस्सी गली में एक दो बोरवेल ड्रिल किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 और 5 इंच पानी लगा था। यहाँ बोरवेल डालने के बाद मैडम को बुलाकर यहाँ तमाम हमारे महल्ले के नौजवान और बुज़ुर्ग और हमारे माँ और बहनों ने शुक्रिया अदा किया मैडम का। मैंने भी मैडम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ के महल्ले वाले काफ़ी तकलीफ 5 से 8 से 10 साल तकलीफ उठाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो राहत मिली है। यहाँ पर बुलाकर मैडम को, मैडम की गुलपुशी शालपुशी किए और उनका शुक्रिया अदा किए। मैं भी मेरे तरफ से, महल्ले की तरफ से और मेरे वार्ड की तरफ से मैडम कनिष फातिमा साहिब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने यहाँ पर आकर अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर दो बोरवेल का उद्घाटन किया है। और एक बार मैं तमाम लोगों का जो यहाँ पर आए, जो मेरे साथी और जिम्मेदार, जो यहाँ के जिम्मेदार थे और यहाँ के बड़े जो बुज़ुर्ग थे, वो लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ नौजवानों का भी और मेरी माँ बहनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel.